विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अधिकारी कर्मचारी व शिक्षकों की संयुक्त संघर्ष समिति की मांग पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा भोपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालय कर्मचारी की 9 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में पेंशन की अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय के संबंध मांगों पर विचार किया गया। कर्मचारियों की मांग पर सहमति बनने पर हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक के संबंध में कर्मचारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व पेंशनर संघ के आह्वान पर 15 मई से आंदोलन पर थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 3 माह में इस पर सकारात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए क्रियान्वयन किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कर्मचारी संघ ने क्या जानकारी दी है। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन से 9 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था संघर्ष समिति के माध्यम से, और 9 सूत्री मांगों पर हमारा 15/5/2023 से क्रमबद्ध तरीके से कार्य बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ और वो लगातार चलता रहा। 2/6/2023 को पूर्ण रूपेण तालाबंदी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच मध्य प्रदेश शासन एवं हमारे जो प्रदेश संघर्ष समिति थी, प्रदेश संघर्ष समिति के द्वारा बैठक की गई। बैठक में कई दौर के बाद लिखित रूप से मध्य प्रदेश शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं आप लोगों की जो हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, मैं एक एक मांग पत्र पर विचार कर लिया हूँ और उसको पूरा कर दूँगा। इसी सहमति के आधार पर हमारी जो ऊपर की संघर्ष समिति बनी हुई थी, उसी के आधार पर हम लोग दिनांक 2/6/2023 को जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन था वो समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके लिए पूरी हो गए हैं या फिर आश्वासन? नहीं, लिखित आश्वासन मिला है, अभी मांगे पूरी नहीं हुई है, लेकिन लिखित आश्वासन ये दे दिया गया है कि दिनांक 2 महीने का समय लिया गया है सातवें वेतनमान पर पेंशन भुगतान करने के लिए, और 166% महंगाई के लिए उन्होंने ये कहा, 201% महंगाई के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कहा है कि मैं जून से ही इसका भुगतान करने का प्रयास करूंगा। रीवा के कर्मचारियों का भी इशू था? हाँ, रीवा कर्मचारियों का 84 आदमियों का प्रकरण था, जिसमें मैं माननीय आयुक्त जी ने और हमारे जो अपर सचिव जी हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं कुलपति जी से इसके विषय में एक पत्र लूँगा और उनके जब पत्र हमारे यहाँ प्राप्त हो जाएगा तब मैं इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक निश्चित तौर से विचार करूँगा और प्रयास ये करूँगा कि ये जो इनका 84 लोगों का प्रकरण है ये काफ़ी लंबित प्रकरण है, इस ये निपट जाए, ऐसा उन्होंने आश्वासन लिखित रूप से दिया है। भोगी कर्मचारी हैं, कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके विषय में भी मैं अपने यहाँ के कुलपति माननीय कुलपति जी से इस विषय में संपर्क किया। उन्होंने ये आश्वस्त किया कि मैं 2-4-6 दिन के अंदर यह आदेश प्रसारित कर दूंगा। या अपने पूरे विश्वविद्यालय के जो हमारे चारों संगठन हैं उसके तरफ से मध्य प्रदेश शासन के अपर सचिव एवं उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त जी को बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे मार्गपत्र के विषय में गहन पूर्वक विचार करते हुए हमारे मार्गपत्र के विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और उसमें हमारी मांगें पूरी हुई, और उसी क्रम में मैं अपने विश्वविद्यालय के पेंशन संघ के अध्यक्ष माननीय तिवारी जी को और शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील तिवारी जी को, अधिकारी संघ के अध्यक्ष बाबूलाल साकेत जी को और अपने पूरे विश्वविद्यालय के कर्मचारी साथियों को और हमारे जो पेंशनर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अधिकारी संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ और हमारे जो अन्य कर्मचारी साथी हैं, मैं सबको पूरे पदाधिकारियों को इस सफल आंदोलन के लिए बार बार बधाई देता हूं कि उनका सबको, खासकर मैं अपने मीडिया साथियों को भी बार बार बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भरपूर सहयोग किया और इतना सहयोग किया जितना मैं आशा नहीं करता था। इसके लिए मैं अपने मीडिया साथियों को भी बार बार बधाई प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जब कभी हमको इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो उन्हें इस प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहें। मैं पुनः अपने
न्यू कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष के तरफ से अपने विश्वविद्यालय के चारों अध्यक्षों और पूरे प्रतिनिधियों को मैं बार बार बधाई देता हूँ।